हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, अभी 8 बज चुके हैं और मैं अभी छत में आई थी बस यूं ही टहलने के लिए। अब जा रही हूँ नीचे क्योंकि नीचे मामी चाय बना रही हैं, तो चाय पियेंगे जाके। यहाँ पर मामी की चाय बन चुकी है और चाय के साथ मामी ने चिप्स भी भून दिए हैं क्योंकि शिवांशी रो रही थी चिप्स के लिए। और ये चिप्स जिस दिन नानी लोगों ने बनाई थी ना, उसे कोई देख नहीं पाया था। वो छत में जो पकी पकाई चिप्स हम लोग फैलाते हैं ना, तो वही उठा उठा के वो खाने में लगी हुई थी। फिर मामा जी ने देखा, बोला ऐसे तो इसका पेट दर्द देगा। उसे चिप्स और पापड़ वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं अभी लेके जा रही हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए। और ये देखिए मेरा बिस्तर कैसा ढला है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, आज मेरा पेपर था। और नहाने के बाद मैं आई थी, खाना ना खाया, थोड़ी देर अपना बुक रिवीजन की क्योंकि आज मेरा पेपर था। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार और मैं घर से 1 घंटे पहले ही निकल जाती हूँ। 2 बजे टाइम है, मैं 1 बजे ही निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ के लिए ऑटो इजीली नहीं मिलते हैं। जो हमारे यहाँ से मेन रोड निकला है वो मार्केट स्टेशन और कई होटल वगैरह में जाता है, तो वहाँ के लिए स्कूल के लिए दूसरे रोड में जाना पड़ता है, तो कभी तो मिल जाता है कभी नहीं मिलता। इसलिए मैं पहले ही से निकलती हूँ कि अगर मुझे ना मिले, थोड़ा दूर मुझे पैदल जाना पड़े, वेट करना पड़े, तो मैं इजीली कर पाऊँ। यहाँ पर मामी मेरे लगा रही हैं सूट में दुपट्टे में पिन लगा रही हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा रहता है, तो मामी ही लगा देती हैं सही से। और यहाँ से अभी मैं निकलूँगी और वैसे तो मुझे मामा जी छोड़ आते स्कूटी से, लेकिन क्या है कि उनकी खुद ही इस समय पर पेपरों में ड्यूटी लगी हुई है। और कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारे मामा जी क्या जॉब करते हैं, तो भैया मैंने एक आध बार बताया, वो सरकारी टीचर हैं इसलिए वो भी बिजी चल रहे हैं इस टाइम पर। और यहाँ पर मैंने अपने एग्जाम के साथ भी वीडियो शूट किया, तो कई लोग बोलेंगे कि एग्जाम पे फोकस नहीं करते हो वीडियो, ऐसा नहीं है। ये मैंने शूट करके रख लिया था, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी का है, मैं शूट करके रख लेती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तभी मैं करती हूँ। पेपर में मेन फोकस करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम आता है मेरे पास तो मैं ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि इतना भी ज़्यादा अब हम पेपर के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि जितनी पढ़ाई होती है वो पहले ही हो चुकी होती है। जो अभी गाना बज रहा था ना, ये हमारी डोर बेली की आवाज़ है, उसमें गाना नाना जी ने सेव कराए हैं। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने मामी से कहा था कि जब मामी मैं घर आऊँ बैल बजे, तो मेरा था थोड़ा सा आने का भी ले लेना, तो वीडियो वही शूट कर रही थी। अच्छा, नहीं वही तो टाइम लग जाते हैं। और अभी मैं कॉलेज से जस्ट वापस आती जा रही हूँ, पता 4 बजे मेरा पेपर छूट गया था, लेकिन मुझे आते आते ना 5 बज चुका है, मतलब कि 4:45 है, 5 बजने ही वाला है, 10-15 मिनट हैं बस। और आज कॉलेज में, आज मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में कितने सारी लड़कियाँ हैं आज, इतने क्योंकि आज जो विषय था ना तो वो कॉमन है, वो ना अब सबके विषय में जोड़ दिया गया है, तो आज जिस चीज़ का पेपर था वो हर सब्जेक्ट वाले बच्चों को देना ही, तो वो तो हमारा गर्ल्स कॉलेज है तो इतनी सारी गर्ल्स हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन आज ना उससे भी डबल भीड़ थी क्योंकि बॉय कॉलेज का सेंटर भी हमारे कॉलेज में पड़ा था। हमारा सेंटर कहीं नहीं पड़ा है, हमारा बस यहीं है, लेकिन उन लोगों का सेंटर आज यहाँ पर पड़ा था हमारे कॉलेज में। तो ऊपर वाले फ्लोर पर वो लोग थे, नीचे वाले फ्लोर पर हम गर्ल्स थे और बाकी जो थे, तो पीछे एक रूम बने हुए हैं ना क्लास के पीछे तरफ,
हम लोग वहाँ से घुस के निकले थे, आज अपने कॉलेज के अंदर गए थे, वो पहली बार मैंने अपने कॉलेज के अंदर वो रास्ता देखी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, दोनों रास्ते एकदम फुल हो रहे थे निकलने के लिए, क्योंकि जितनी संख्या हमारे कॉलेज की थी उतनी बॉय कॉलेज की संख्या थी, एकदम पता नहीं चल रहा था, धूल उड़ रही थी जब बच्चे निकल रहे थे ना, तो प्ले ग्राउंड में एकदम धूल उड़ रही थी, बच्चों को तो देखने को नहीं मिल रहा था, एकदम धूल धूल हो रही थी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, जाके सबसे पहले ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ और हाथ मुँह धो। मेरे पेपर ना 3 दिन लगातार पड़ गए थे, मतलब कि एक भी गैप नहीं था, और एक पेपर में एक दिन का गैप था, और अब जो पेपर मेरे दो रह गए हैं उनमें तो काफ़ी दिन का गैप है, एक में तो कम से कम एक हफ्ते का गैप है, एक में उससे भी ज़्यादा गैप है, तो वो तो आराम से होते रहेंगे, जो मेन टेंशन थी वो निपट गई। और कॉलेज से जब निकली थी ना तो पैसे फुटकर कराने थे, पैसे चेंज नहीं थे उनको देने के लिए ऑटो वाले अंकल के लिए, और वहाँ पर शॉप भी नहीं मुझे दिखी, और पहले मेरे पास चेंज नहीं थे, तो फिर फ्रूट्स की दुकान दिख गई थी, फिर मैंने अपने लिए एक गिलास जूस निकलवा लिया, उनके वैसे तो कभी टाइम टेबल कुछ चीज का रहता ही नहीं है, ना ही कभी कुछ ले पाते हैं, किसी बहाने ले लेती हूँ, तो फिर मैं एक गिलास जूस निकलवाया अनार का 60 रुपये का, और बस उसी में पैसे फुटकर चेंज हो गए, तो 20 रुपये अंकल जी को दिए, 100 रुपये ख़त्म। अगले दिन की सुबह, और मुझे देखिए आज मैं कितनी रिलैक्स होकर उठी हूँ, वैसे मैं 4 बजे उठ जाती थी लेकिन आज मैं 5 बजे उठी हूँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा हुई हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम रह गए हैं ना दो, वो उनमें काफ़ी गैप है, एक में तो पूरा 6 दिन का गैप है और एक में है पूरा 12 दिन का गैप है उसमें, तो मैंने कहा चलो ये तो दो रह गए हैं, काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा पढ़ाई का, तो आराम से कर लेंगी, अभी तो मेरे चार पेपर बिल्कुल लगातार हो गए थे, 3 में बिल्कुल भी गैप नहीं था, एक पेपर में बस 1 दिन का गैप था, तो वही ज़्यादा मेन टेंशन थी, तो वही निकल चुकी है, अब तो ये इजीली से हो जाएंगे क्योंकि पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं उठ के सबसे पहले, और बस अभी पानी पीने जा रही थी, और नानी आज मुझे सुबह जगा रही थी तो बोल रही थी अभी पेपर ख़त्म नहीं हुए, जो इतनी शांति से सो रहे हो उठ जाओ, अभी पेपर रह गए, अभी मंजिल में पहुँची नहीं हूँ, तो मैंने कहा ठीक है उठना तो पड़ेगा ही। आ गई हूँ, तो अभी मैंने सोचा 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद चाय आए बाकी काम करेंगे। क्या पूजा करने नहीं जाने देना क्या मम्मा को? आप भी चले जाओ ना साथ में, आप भी चले जाओ, जाओ ऐसे ही जाओ लटके लटके। अरे हम ले लेंगे, उधर भी ले लेंगे, सीढ़ियों में लेते हैं गोद में, आप आ हम ले लेंगे ना गोद में, शिवांश बेटा आओ हम ले ले रहे हैं, मम्मा ही की गोद में जाना है उन्हें। और हमारी छत ना अभी इस समय पर गंदी हो रही है, यहाँ पर देखो बहुत सारा सामान फैला है, क्योंकि जो हमारी छत में छपरा डला है ना, वो छपरा नाना जी हटवा के वहाँ पर टीन रखवाने वाले हैं, तो बस उसी के लिए ये काम चल रहा था, यहाँ पर हमारी शिवांशी भी उठ के आ चुकी हैं और मामी पूजा कर रही हैं। तो चलिए आजकल ब्लॉग कुछ ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाई हूँ, लेकिन जैसा था वैसा मैंने एडिट कर लिया है, थोड़ा सा टाइम था तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग एंड, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अपने एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।